सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पर भड़का आरक्षक, फरियादी को दी हाथ पैर तोड़ने की धमकी, ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अक्टूबर महीने की पहली तारीख को पिकनिक मनाने गए दो दोस्तों की नहर में पानी में डूबने से मौत के मामले में आशंका होने पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराना एक मृतक के परिजनों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शिकायत और संदेह का समाधान तो दूर, उल्टी उन्हें धमकियां मिलने लगी। धमकी देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खाकी पहनने वाला पुलिसकर्मी ही है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को संतुष्टि पूर्वक बंद कराने के लिए अब थाने का सिपाही रौब दिखा रहा है। उसने शिकायतकर्ता को फोन पर धमकी दे डाली कि वह हाथ पैर तोड़ देगा। इतना ही नहीं, इस सिपाही ने बदतमीजी और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी। फोन पर धमकी भरी इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जो पुलिसकर्मी बात कर रहा है वह कॉल गवाह थाना का सिपाही भागवत पांडे बताया जा रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर को मोहम्मद अरमान पिता शरीफ निवासी नया तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। उसके साथ उसका दोस्त शानी भी डूब गया। अरमान का शव अगले दिन पानी से बाहर निकाला जा सका था। इस घटना की विवेचना कोलगवा थाना पुलिस कर रही है। इसी मामले में संदेह होने पर मृतक के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है ताकि उनका संदेह दूर करते हुए पुलिस निष्पक्ष विवेचना करे। अब सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को जबरन बंद कराने के लिए थाने का सिपाही धमकी दे रहा है। उसकी भाषा शैली इस तरह की है कि सामान्य व्यक्ति कभी पुलिस की तरफ देखना भी पसंद नहीं करे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि बदसलूकी से बात करने वाले पुलिसकर्मियों को मर्यादा और शालीनता का पाठ सिखाया जा सके और जबरन शिकायत बंद कराने की परंपरा बंद हो। पुलिस के आला अधिकारी अक्सर सबक सिखाते हैं कि फरियादी और शिकायतकर्ता से शालीनता से पेश आए, लेकिन इस सब का कोई असर मातहतों पर पड़ता नजर नहीं आता। हेलो जी। हाँ जी, बताइए। मैं डाल रहा हूँ ओटीपी, बताइए मैं शिकायत बंद करूँ। नहीं, शिकायत क्यों बंद कर रहे हैं आप, ये बताइए। तुम शिकायत करके क्यों रखे हो भाई? भाई देखिए, अभी हमारे केस का निराकरण तो नहीं हुआ ना, जिस मकसद से हमने कॉल किया है और जो हमारी कंप्लेन है। जी, किस मकसद से किया है भाई? मेरे बच्चों का नहर में डूब करके मेरे बच्चे खत्म हुए और उसमें जो जी एक बात बताऊं जी, बताइए। पुलिस के कानून से बाहर कर रहे जी, तुम थाना अभी पहुंचो, हम तुम्हारी थाना प्रभारी से बात कराते हैं। आप एक काम कीजिए, आप हमारे वकील साहब से बात कीजिए, आप नंबर ले लीजिए। वकील से क्यों बात करूं? तुम्हारा वकील कौन होता है मेरा बात करने वाला? नहीं, आप मेरे वकील साहब से बात कीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप हमारे वकील साहब से बात कीजिए। बहुत हो गया तुम्हारा। देखिए ऐसा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारे ऊपर। देखिए, आपके दिमाग से हमें कोई मैटर नहीं, हमारे बच्चे के साथ घटना घटी है। मैंने कहा कि मैं अपने अधिकारी से तुम्हारी बात करा रहा हूँ। नहीं, आप अधिकारी जिनको नहीं, तुम्हारे जिसको लेके आ रहा तुम थाने लेके आओ। नहीं, आप हमारे वकील साहब से बात कर लीजिए। देखिए, आप हमारे वकील साहब से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ घटनाएं बहुत होती हैं। नहीं तो भी होती है और बुरी भी होती है। नहीं तो मेरे साथ कोई रोल नहीं होता। इसका निराकरण कौन करेगा कि अच्छा हुआ मेरे साथ या बुरा हुआ, आप ये बताइए। मैंने कहा कि पहले सुन, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, या मैं रिसर्च करने वाला नहीं। नहीं तो आप उसकी जांच कीजिए ना। मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आप जांच कीजिए ना। नहीं, आप हमारे वकील साहब से बात कर लीजिए। सर, आप मेरे वकील साहब से बात कीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। वकील से कोई बात नहीं करनी, तुम्हारा वकील तुमको चूतिया बना रहा। हमारा वकील साहब हमको चूतिया बना रहे हैं, जो सीएम हेल्पलाइन कराते हैं और कानून का दुरुपयोग कराते हैं। मैंने कहा कि मेरे अधिकारी हैं थाना प्रभारी, तुम आके उनसे बात करो। नहीं तो सर, ये सर आप एक चीज ये बताइए, मैंने कंप्लेन किया तो आप लोगों ने क्या एक बार भी किसी प्रकार से हमें? क्या कहा तुमने? एक बार नहीं, आपने कोई इंक्वायरी किया? सर ये बताइए, आपने पता किया किसी भी चीज का कि मैंने जो कंप्लेन किया तो मेरी कंप्लेन सही है कि झूठी की क्या है? हाँ, मैंने सब पता किया, इसी नतीजे पे पहुंचा हूं मैं कि तुम्हें थाना आना है और जितने तुम्हारे वकील फकीर हो आपको इकट्ठा करके आना। पहले मुझसे लड़ लेंगे, फिर मेरे अधिकारी से लड़ेंगे। ऐसा हमने हटा के ना भेजे तो बता देना तुम अपने वकीलों से। जी, मैंने नहीं तो मतलब आप लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे, मतलब आप उल्टा चढ़ाई हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। मतलब हमने, अरे बिल्कुल सुन, ये थाने में कार्रवाई होती, बाहर की नहीं होती। कोई जीता है, कोई मरता है,
हर तरह से लोग होते हैं जी। मरने जीने में मेरा कोई वजूद नहीं है। नहीं तो, किसी को नहीं तो आपका वजूद क्या, आप क्या चेक भी नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। पहले सुन ले, मैं बोलता बहुत है। पहले तो आप अपनी बात जो है थोड़ा आहिस्ता से बात कीजिए, आप गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमसे बात करके तुम चूतिया समझते हो हम लोगों को। हम चूतिया नहीं समझ रहे हैं आपको, बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे पहले कोई अभी तक बात की नहीं है। मैं आ रहा हूँ थाने, मेरे को फोन लगाया। नहीं तो मेरे को जो है हरिदास जी ने बुलाया था, उसी दिन मेरा बयान हुआ है। हम बयान दे करके आए हैं, तो आप लोग उनसे आप पूछिए ना। नहीं तो सीएम हेल्पलाइन किया है, तो आप ये भी तो पता कीजिए ना कि हमने किस मकसद से किया था। मैंने सब पूछा है, मैं अपने काम के लिए किसी से नहीं पूछता। पहले थाने आ तू, और जिसको जिसको लेके आना है, पहले बात तो बता दू, जिसको लेके आना है जी, उसको लेके मेरे पास आ। नहीं तो ये बताइए कि नहीं तो मेरे बच्चे के साथ घटना घट गई है, तो इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? मैं करूंगा इसकी इंक्वायरी, आप बताइए। मैंने कहा कि मेरा अधिकारी करेगा, लेकिन तुम अब डिसाइड नहीं करोगे, मुझे अपने हिसाब से करो। तो आप अपने हिसाब से कीजिए ना, मैं डिसाइड थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि थाने तेरे को आना पड़ेगा आज। मैंने तो आप अपनी बातों को थोड़ा जो है हिसाब से बात कीजिए पांडे जी। हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तू तारा नहीं कर सकते। मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ। बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, तू बदतमीजी से बात करता हर समय जब हम लोग के पास पहुँचता है। मैं कब गया आपके पास ये बताइए, मैं कब गया आपके पास ये बताइए। उस दिन मैं गया, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे भगा दिया वहाँ से। मैंने कहा कि मेरे पास आए और तुम, तुम्हारी वहाँ भी बात हाई पर थी। कहाँ पर बात आई पर थी? मतलब अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी अभी बिगड़ी हुई है। तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सुधारो अपनी। नहीं तो अभी जिस बॉडी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज अभी बॉडी लैंग्वेज है? अच्छा, तो मतलब आप हमारी बॉडी लैंग्वेज सुधारेंगे? मैंने नहीं किया। नहीं हमने किया तो किस कारण से किया, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। आपने इस चीज की जानकारी ली, क्या मालूम है आपको, ये बताइए। सारा पहले आप मुझे सुना देंगे क्या? मैंने कहा कि मेरे को सब मालूम है। क्या मालूम है बताइए तो, मुझे भी बताइए ना कि आपको क्या मालूम है। फोन पे हमने, मैं तेरे से इतना ही बात करूंगा कि तू थाना आ, जिसको जिसको लेके आना है मेरे पास लेके आ, मैं सबका सुन लिया। आप ऐसा दुरुपयोग नहीं कर। महोदय जी, आप मेरे वकील साहब से बात कीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करना है। आपको जो इंक्वायरी करना है, हम किसी भी आदमी को सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। ये तो मतलब मैंने मेरे बच्चे के साथ जो कांड हो गया वो मतलब अच्छा हुआ। कहा कि तुम्हारे लिए कांड है, मेरे लिए मेरी जांच है। तो आप जांच कीजिए ना, जांच के लिए आपको किसने मना किया है? मैंने कहा ना तेरा कि तू बीच में ना बोल। नहीं तो मैं क्यों नहीं बोलूं, मेरा बच्चा गया है, आपका बच्चा गया है। इतना बोलता है कमीना। नहीं तो मेरा बच्चा गया है, ये आपका बच्चा गया है। तेरा बच्चा गया, तेरा बच्चा जाएगा तो मैं क्या करूँगा तेरे बच्चे से? नहीं तो आपका काम क्या है? आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, ऊपर से हमारे ऊपर चिल्लाएंगे। पानी में डूब के मरा सामने वाला। नहीं तो कैसे मरा, वो जब पैरना नहीं जानता था तो कैसे मरा? मतलब सारे कोर्ट जज जजमेंट आप ही दे देंगे क्या? गई है साइबर सेल, गई है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। ऐसा है सर, आप इंक्वायरी कीजिए, उनको बुलाइए, पूछिए, उसके बाद मैं कंप्लेन कटवा दूंगा। मैंने कहा तेरे कटवाऊंगा क्या, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, आप ये भी करवा के देख लीजिए। ठीक है, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। कोई तू बना है? चलिए ठीक है ना, बड़े प्रेम से बुलाया। नहीं, आपने कितने प्रेम से मुझे बुलाया तो ये सब ने देखा था, और अभी आप कितनी प्रेम से आप मुझसे बात कर रहे हैं ये भी सब मैं सुन रहा हूँ। हर बार गमराता है, हर बार। मैंने आपसे कितनी बार बात की ये बताइए आप। तेरे को बताता है, लड़का मरा है तुम्हारा, तो उसमें जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो रही है उसको सुन के तो समझ तो पहले क्या हो रहा है? नहीं तो आपने मेरे से बोला क्या? आप तो मेरी बात ही सुनने को नहीं तैयार हुए। आप खुद ही पहुँचते, अभी आप मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने आगे किसी की बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे इंसान है, बाकी इंसान नहीं, हम लोग इंसान नहीं बैठे, हम लोग राक्षस हैं। नहीं तो हम आपको क्या राक्षस बोल रहे हैं? क्या मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ? जो बोलना है आप ही बोलते चले जा रहे, सारा डिसीजन मतलब कुल मिलाकर के हमारे बच्चे के साथ। मैंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन। चलिए आप ही बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, आप ही बोलिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें किस लिए होती पहले मुझे बता दे थोड़ा। नहीं मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए। तो बता दे रहा हूँ तेरे को। नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। मैंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में थाना आना पड़ता, जब बुलाऊंगा, जैसे बुलाऊंगा, जितनी बार बुलाऊंगा जी थाना आना पड़ता है। पहली बार हाँ,
फिर उसमें जो कार्रवाई हो रही पुलिस कार्रवाई के लिए बनी है, न्याय करने के लिए नहीं बनी। जी जी, हमारे पास जो भी संभव संसाधन होंगे उनके माध्यम से हम जांच ही करेंगे। तुम्हारे लड़के जो मरे हैं पानी में डूब के, उनका जो बितरा होता है जी, उनकी जो फीमर बोन होती है जी, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? भेजा जाता सागर या सचर, वहाँ आने में 2 महीना 4 महीना लग जाता है जी। ये पुलिस की क्या गलती है जी? पहले उसकी रिपोर्ट तो आने दे, क्या वास्तव में पानी में डूब के मरा? नहीं तो रिपोर्ट आप चाहिए ना। मैंने कहा कि पहले सुन कि सामने वाला पानी में डूब के मरा कि किसी ने ढोस दिया, मारने के बाद फेंक दिया। इसकी सारी जांच जो होती है उस बिसरा रिपोर्ट आने के बाद समझ में आती है। तो ठीक है ना सर, तो जी हाँ, पहले बता, आपको बता ले थोड़ा सा 2 मिनट, तो मैं तेरा सुन लूँ, फिर दूसरी शिकायतों पे जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप ही बोल लीजिए। मैंने कहा कि जिस अधिकारी के पास बिसरा जांच की विवेचना है, यानी मर की विवेचना है जी, उनको अपना मर फाइल भी करना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है, उस मामले में पूरा काम हो रहा है, तो फिर हम गलत कहाँ हुए, थाना वाले गलत कहाँ, ये पहले बता दे। तो सर ये बताइए, आज 52 दिन हो गए हैं, 52 दिन में क्या 10 साल भी लगते हैं, लेकिन तुम मर के जांच में नहीं जानते। तो ठीक भी लगते हैं, ठीक है सर, हम कहते 10 साल भी लग जाए, महीने भी लगते हैं हम, ठीक है ना सर। चलिए गलती हो गई, चलिए गलती हो गई, हमने जो सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दिया, नहीं होगा मेरे भाई। नहीं सुनिए सर, जब गलती हो गई है, चलिए अब चाहे 10 साल लगे, आप निराकरण कराइए, जब पीएम रिपोर्ट बिस्तरा रिपोर्ट आ जाए तब आप जो है केस बनाइएगा, उस वक्त मैं केस को बंद करा दूंगा, ठीक है सर। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा गलत आदमियों को। अच्छा हाँ, जाके तुम मेरी शिकायत करो, मैं फिर उनसे बात करूंगा, मैंने इसलिए बोला है। चलिए ठीक है, कि आपके पास जाएंगे। ठीक है, ठीक है श्रीमान जी जी, तुम सारे चिंतिया टाइप का आदमी, मेरा ज्ञान बताएगा कि हम लोग गलत हैं। जी जी जी, ठीक है, ठीक है सर, बोलिए। ठीक है, तेरा घर कहाँ, घर बताना जी। घर पता मैंने सब लिखा दिया, मैंने सब लिखा रखा है। क्या लिखा दिया घर? सब घर पता मैंने सब लिखा रखा है। की शिकायतें होती हैं मेरे पास, और कुछ नहीं होता, विवेचना के पास जो विवेचक होता है उसके पास विवेचना होती जी। चलिए ठीक है, लेकिन जो मैंने पूछा मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। सामने वाला सब कुछ अपना काम कर रहा है, बात गलत कहा है, तू सही कहा ये बता थोड़ा सा। नहीं मैं ही गलत हूँ, मैंने ही अपने बच्चे को मार दिया। वास्तव में तू गलत है। हाँ मैं गलत हूँ, मैंने अपने बच्चे को मार दिया। और सबसे सही आप हो, पुलिस किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है? तुम्हारे काम होते, पुलिस किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है? मतलब नहीं, जज्बाती व्यक्ति नहीं है। चलिए ठीक है, हम जज्बात से मतलब नहीं रखते। ठीक है ठीक है ठीक है, तब जब आप घर आऊंगा। चलिए ठीक है ना, खत्म कर तू अब। हाँ वहीं से पकड़ के लाऊंगा तेरे को। चलिए ठीक आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। अच्छा, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ आज। चलिए, मेरे में नाराजगी है तुझे लेके। चलिए ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, तू जाके सब। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपके जो दिल में आए वो कर लीजिए। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।